काटें भी ना। और जैसे वाटर है, हमें वाटर को सेव करना चाहिए, डस्टबिन में गंद डालें, हर जगह डस्टबिन होते हैं, फिर भी लोग दूर से फेंक जाते हैं जिसकी वजह से डस्टबिन में गंद नहीं जाता। तो देश है वो वैसे यहाँ पे ग्रीनरी सबसे ज़्यादा है, जम्मू शहर में ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। ये ग्रीनरी हम मेंटेन करें और इसको आगे से आगे बढ़ावा दें कि हमारे देश में स्वच्छ हवा, खुशहाली बिल्कुल बनी रहे। और मैं इस अवसर पर आई एम थैंकफुल कि DFO साहब, DFO जम्मू यहाँ पे आए हैं और मेरे सारे मित्रगण यहाँ आए तरफ से और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि हम लोगों ने एक एफर्ट लिया है कि किस तरह से हम रेलवे परिसर को स्वच्छ और सुंदर बना सकते हैं। तो स्वच्छ भारत का जो मिशन था उसको लेकर आज रेलवे स्टेशन पे आप किस तरह से आगे कार्रवाई करवाएंगे सर? स्वच्छ भारत के मिशन को लेकर रेलवे स्टेशन में हम पूरे परिसर में ट्री प्लांटेशन कर रहे हैं। अभी एक श्रमदान करेंगे जिसमें कि आर्मी, BSF, CRPF सभी जवानों का योगदान रहेगा, साथ में फॉरेस्ट सर्विस, फॉरेस्ट की तरफ से भी योगदान रहेगा और रेलवे का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इसमें जुटा रहेगा। इसके अलावा हमने बच्चों के लिए पेंटिंग कॉम्पिटिशन रखा है जिसमें कि बच्चों को इनाम दिए जाएंगे, बच्चों को और सभी जो स्टेशन के अराउंड लोग हैं उनको जागरूक किया जाएगा कि कितना हमारे लिए ज़रूरी है अपने आसपास के एनवायरनमेंट को स्वच्छ और